हेलो दोस्तों, फिल्म सेवक द कन्फेक्शन को लेकर हो गया है बहुत हंगामा। लोगों का कहना है कि हिंदुओं के खिलाफ है प्रोपोगंडा। दरअसल दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर सब वाकिफ है। दोनों देशों के ऊपर बनी कई फिल्म और वेब सीरीज बनाई गई है, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान की एक वेब सीरीज सेवक द कन्फेक्शन सुर्खियों में बनी हुई है, को लेकर ट्विटर पर बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है। लोगों का कहना है कि हिंदुओं के खिलाफ एक प्रोपोगंडा है। तो चलिए जानते हैं इतने बवाल के पीछे आखिर क्या है पूरी कहानी। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तानी वेब सीरीज सेवक द कन्फेक्शन 26 नवंबर को रिलीज हुई थी, जिसके एपिसोड यूट्यूब पर भी नजर आ रहे हैं। वहीं इस पर वेब सीरीज को लेकर लोगों के मन में गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों का आरोप है कि पूरी तरह से ये प्रोपोगंडा है, जिसमें हिंदुओं की गलत छवि को पेश करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, ऐसे में ट्विटर पर इसे लेकर जमकर बवाल हो रहा है। दोस्तों, सेवक द कन्फेक्शन की कहानी 1984 के दंगे यानी बाबरी मस्जिद विवाद और गुजरात दंगे पर बनाई गई है। इसके ट्रेलर में हिंदू संतों को गलत तरीके से पेश किया गया है। साथ ही द्वीप सिद्धू, हेमंत करकरे, गौरी लंकेश और जुनेद खान की जिंदगी की झलक भी देखने को मिलती है। ऐसे में इस सीरीज को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है कि इसके जरिए हिंदू विरोधी प्रोपोगंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यूजर तरह तरह के कमेंट कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कोई इसे सस्ता प्रोपोगंडा बता रहा है, तो किसी का कहना है कि अगर प्रोपोगंडा करना भी है तो पहले एक्टिंग करनी सीख लो। दोस्तों, एक ने कहा पाकिस्तान को पैसे के लिए अमेरिका और चीन अरब मुल्कों के सामने भीख मांगनी पड़ रही है, पर एंटी इंडिया फालतू फिल्में बनाने के लिए उन्हें के पास पैसा कहां से आता है। दोस्तों वहीं अब अंजुम शहजाद द्वारा निर्देशित इस सीरीज को लेकर ट्विटर पर काफी ज्यादा हंगामा हो रहा है। दोस्तों, इस फिल्म को लेकर अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस तरह की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।